हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड, टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, एक्वेरियस का निकाल रही हूँ। नवंबर दिसंबर कैसा जाने वाला है आपका, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कैसा क्या होने वाला है आपके लाइफ में। पॉजिटिव रहें सभी, जो भी आप चाह रहे थे। देखो खुद से कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत दिन पर मैं वीडियो बना भी रही हूँ। पेज ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स का आया है। लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है एक्वेरियस। आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत परेशान जो हो रहे थे अब स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। नवंबर दिसंबर में आपका कोई काम बनने वाला है। अगर मैरिज के लिए सोच रहे थे तो मैरिज होने वाली है। बेबी का कोई इशूज था, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। और कहीं घूमने जाने वाले हो, कुछ ऐसा दिख रहा है आपका एक्वेरियस। चलिए अभी और देखते हैं। कुंभ राशि, आपका कुंभ का कार्ड भी आया है। चलिए और देखते हैं कैसे क्या है। बिल्कुल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो आप। मैरिज के मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कोई बेबी का कोई इश्यूज था तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे थे या कोई काम कर रहे थे तो उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है अभी भी। और थोड़ा सा आपका लाइफ में जो काम को लेकर परेशानी चल रही थी, वो आफ्टर ऑल जो भी मिला जुला परेशानियां चल रही थी नवंबर दिसंबर में, वो ख़त्म होने वाली है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हो, जो भी 35 प्लस हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जो गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, अगर फाइनेंशियली कहीं भी स्ट्रांग होना चाह रहे थे काम को लेके, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऑनलाइन काम कर रहे थे या कोई मेडिकल लाइन में हो, ऐसा कुछ कहीं कुछ सोच रहे थे या काम को कर रहे थे और प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, एक ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है आपके लाइफ में, तो उनके लिए स्पेशली बोलूँगी कि जो आपको फील हो रहा था उससे अब आगे बढ़ रहे हो, खत्म हो चुका। नवंबर दिसंबर में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। और कोई कार लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो तो मे भी मुझे लगता है बहुतों ने लिया भी है अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी का अगर कोई ट्रांसफ़र होने वाला है या कुछ कहीं जाने वाले हो कुछ, यानी कि आपका आगे आने का टाइम में मुझे लग रहा है नवंबर दिसंबर में कोई सपना आप जो देख रहे थे मे भी वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। कोई जो सपना आपने देखा है और इस पे काम कर रहे हो बहुत दिन से, लास्ट 5 मंथ्स से आप बहुत परेशान हो रहे हो एक्वेरियस, कि लाइफ में जो चाह रहे थे बिल्कुल नहीं कुछ मिल रहा था, तो उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी। देखो एस ऑफ वैंड्स भी आया है और पेज ऑफ वैंड्स बोथ आया है, पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो मुझे लग रहा है नवंबर दिसंबर में आपका कोई काम बनने वाला है और आपकी बात को गॉड सुन रहे हैं और स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। देखो डेक में सन का कार्ड आया है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सनराइज आपकी लाइफ में हो रही है, इसलिए परेशान नहीं होना। चलिए देवी माँ क्या आप चाह रही हैं, इंडियन टैरो से देखती हूँ कि देवी माँ का आप क्या इच्छा है, क्या वो चाह रहे हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन से हैं और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर्स तो सेम ही आएंगे। देखो आगे स्ट्रेंथ हनुमान जी का, अगर आप हनुमान जी की भक्त हैं तो समझ लो आपका काम बनने वाला है। हनुमान जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल काम बन रहा है आपका। और चलिए और कार्ड्स देखते हैं। बिल्कुल देखो हर्मिट का काम कार्ड आया है, नारद मुनि। कुछ इधर से उधर आपके लाइफ में हो रहा है, मिस्टर एंड मिसेस दोनों के लिए मैं कहूँगी कि दो यानी एक्वेरियस, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इधर से उधर आपकी चुगली करना, कोई आपका चुगली कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऑफिस में कहीं कुछ हो रहा है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हनुमान जी की पूजा करें, सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल देखो निर्विघ्न काम होगा आपका। गणेश का कार्ड भी आ गया है, तो मैंने कहा ना आपका काम सब बनेगा और निर्विघ्न काम को बनेगा आपका, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा क्या हुआ, क्या है अभी आपका लाइफ में। चलिए कार्ड्स देखो, ग्रोथ फर्स्ट कार्ड ही आया है, तो नवंबर दिसंबर में ग्रोथ है, फेथ रखें। देखो सेकंड कार्ड ही फेथ का आया है, तो फेथ रखें एक्वेरियस, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और पॉजिटिव ज़रूर रहें अपने लाइफ को लेके, ठीक है। डिस्कवर, कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो, मैंने कहा ना कुछ बड़ा बड़ा बदलाव होगा। कहीं किसी चीज़ को लेके गिल्ट फील करते हैं, बिल्कुल गिल्ट नहीं फील करें, अपने गॉड पे बिलीव रखें, अपने कर्मास पे बिलीव रखें। आपने अच्छा बीज बोया है तो अच्छा ही फसल काटोगे, बस यही समझ लो। काम का बहुत प्रेशर है और मुझे ऐसा लग रहा है, और जो भी फर्स्ट 35 प्लस 40 प्लस 32 प्लस हैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, समय बदल रहा है। जिस भी पर्पज से वीडियो देख रहे हो आप हैप्पी होने वाले हो, इन दो मंथ में आपका कुछ काम बनने वाला है। जो भी सोच रहे थे, अप एंड डाउन बहुत लाइफ में आपका हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, और उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ बदलाव तो लाइफ में हो रहा है।
देखो बैलेंस में आ रही है लाइफ, और डेस्टिनी में जो मिल है वो मिल के ही रहेगा आपका, और एक्सपेंड खुद को एक्सपेंड भी आप करोगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, एक कोई है जिन्होंने पाकिस्तान की हैं और उन्होंने दिया कि मेरा आप कार्ड देखो, तो मैं वहाँ तो भेज नहीं सकती हूँ, तो मैं स्पेशली आपके लिए अलग से वीडियो इसमें बना के दे रही हूँ भूसरा जी। और आपने दिया है कि मेरा जॉब भी नहीं लग रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत, तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जब भी मैं करूँगी तो आपको मैसेज ज़रूर दे दूँगी कि मैं इसमें कर रही हूँ, ठीक है। जिनको जिनको फाइनेंशली बहुत वीक हैं, बहुत उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, अगर फाइनेंशली आप वीक हैं और आप रीडिंग नहीं करवा सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया उस वीडियो में कब लास्ट में मैं बना देती हूँ। चलिए भूसरा जी, आपका देखते हैं, पहले मैरिज के लिए, मैरिज के लिए मुझे लग रहा है कोई किसी से आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट मिल जाए, नहीं मिल रहा अभी तक, और बहुत तकलीफ हो रही है आपको लाइफ में, लेकिन बहुत अंदर से आप मजबूत भी हो, मजबूत भी, समय ने मजबूत बना दिया है आपको, और आपके पीठ पीछे ना बहुत, यानी लड़ाई झगड़ा जो कह रहे थे ना, बिल्कुल है, अभी तो हो ही रहा है आपका लाइफ में, लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, तो कैसे क्या होगा, ठीक होगा। देखो, आपको खुद ही स्ट्रांग बनना है, क्योंकि स्ट्रांग बन चुके हो आप, और खुद ही उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो आपका लड़ाई झगड़ा का स्पेशली चल रहा है, ठीक है। मैरिज के लिए आप देखते हैं मैरिज में क्या होने वाला है आपके लाइफ में, मैरिज जो अभी तक नहीं हुई है, आपने जो दिया था कि मैरिज अभी तक नहीं हो रही है, कहीं बात नहीं बन रही है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा मैरिज के लिए आपको। कहीं अगर आप रिश्ते जो आप चाह रहे हो जहाँ, तो मुझे लग रहा है बहुत काम, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन है आपका लाइफ में, बहुत टेंशन चल रहा है आपका, रात रात भर नींद नहीं आती है, बट जानते हो आप भूसरा जी, आपका आप खुद ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। देखो, मैजिशियन का कार्ड आया है, आप अपने गॉड पे बिलीव रख के उस काम को करें, जिस भी चीज़ को चाह रहे हो आप, ठीक है। और मुझे लग रहा है आपकी बहुत स्लो एनर्जी है, बट मेहनत अगर आपका चल रहा है जिस पे चीज़ में, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ को लेके जगलिंग कर रहे हो अपने लाइफ में, यानी क्या होगा क्या नहीं, दो चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे हो। तो मैरिज को लेके मुझे लग रहा है ना, अगर आप आपका मैरिज कोई बिजनेस हो, किसी का शॉप है या किसी का कुछ दुकान है, इस टाइप का कहीं कुछ है, उसके साथ आपके मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ है उस, वो अगर आपके नज़र में है, या आपका फैमिली वाला कहीं कुछ देख रहा है, तो उसके साथ में भी आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। बहुत मेहनत करना है, कोई थर्ड पार्टी कोई है ऐसा जो आपको ना खुशी नहीं देख रहा है, खुशी देखना नहीं चाह रहा है, कार्ड्स आया है इसलिए बोल रही हूँ मैं। और अब आप मन को शांत करें, दिमाग को शांत करें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बहुत बहुत टेंशन है आपके लाइफ में अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए, अब मैं देखती हूँ आपके जॉब के लिए पहले, उसके बाद फिर और देख लूँगी मैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है भूसरा जी। चलिए देखते हैं पहले जॉब के लिए क्या हो रहा है आपका। लाइफ का तो मैंने देख लिया, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है आपका। जॉब के लिए आप दो जगह कहीं अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हो जाएगा, कहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अभी दो हफ्ते तीन हफ्ते में हो जाएगा, अगर आप चाह रहे हो जहाँ भी, दो जगह आपको भरना है, ठीक है, दो में से कहीं एक जगह हो जाएगा, जहाँ भी आप चाह रहे हो, जिस भी लाइन में जाना चाह रहे हो। बहुत बहुत लास्ट 5 ईयर्स से हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन है, 5 मंथ से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है आपके लाइफ में, लेकिन देखो मैरिज का भी आ रहा है, आपका मैरिज हो जाएगा विद इन 4 मंथ्स में हो जाएगा मैरिज। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जो बताया कि कहाँ मैरिज होगी, किससे मैरिज होगी, इस टाइप का कहीं कोई है आपके लाइफ में और उसके साथ मैरिज होगी आपकी, ठीक है, जो मैंने बताया है उसी के साथ मैरिज होने वाली है, दुकान होगा उसका या शॉप होगा, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है, किसी चीज़ का जॉब, यानी जॉब के लिए मैं बोल रही हूँ कि दो जगह आपको कहीं अप्लाई करना है, उसमें से एक जगह हो जाएगा आपका, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। मैं मुझे लग रहा है 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ बदलाव होने वाला है, अभी से 4 मंथ, यानी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक में कहीं बात बन सकती है आपकी मैरिज की, और मैरिज होने के चांसेस हैं, कुछ तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, बिल्कुल है, इसलिए परेशान नहीं होना है, टेंशन बहुत है आपके लाइफ में मैं मान सकती हूँ, लेकिन देखो डेक में भी सन का कार्ड आया है, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो चेंज है आपका लाइफ में, ठीक है, समझ गए। चलिए एक कार्ड मैं आपको इंडियन टैरो से निकालती हूँ, क्या कह रहे हैं गॉड, क्या कहना चाह रहे हैं इंडियन टैरो से, मैं देखती हूँ।
बिल्कुल, यानी गॉड जो है ना विष्णु जी का आया है और टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो मैं ये कहूँगी कि बैलेंस में आपकी लाइफ रहेगी और गॉड की नज़र आपके ऊपर है, ये भी मैं कह रही हूँ। और मैंने जो जो कहा उस चीज़ को समझें और दिमाग को शांत रखें। मेडिटेशन का कार्ड आया है, मेडिटेशन करेंगे आप, ठीक है, शांत रहेंगे। कितना भी कोई आपको पीठ पीछे लड़ाई कर रहा है, क्योंकि आपसे ना कोई जलन टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है, कोई खुश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा इसलिए इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ जो चीज़ मैंने बोला उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू, और आप पसंद आता लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का ही बुलाओ फ्रेंड्स। थैंक यू।